माने पूरे तेलंगाना के इलेक्शन में खाली ओएसी 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 चलेगा, और उधर से मोदी अमित शाह के बोलेंगे बेटी बेटी बेटी। अरे कोई तेलंगाना में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय बी टीम और ओवैसी के। अमित शाह आते कि बोलते इनके हाथ में स्टेरिंग, वो उनका कांग्रेस का लीडर है माशाल्लाह से 50 साल के हो गए भी, उन्हों बोलते ओवैसी मिलावा है और ओवैसी आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे राहुल गांधी, मैं आसाम में आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, अभी नू बोल रहे तो अब दिमाग में बात पैदा हुई, अब तो जाना ही पड़ेगा आसाम। 185 लोकसभा सीट पर सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ, माने इसराइल और इसराइल का मुकाबला हुआ। 185, आज से दोनों का नाम क्या रख देंगे? हाँ, इसराइल। तो 185 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला, कितने जीती कांग्रेस? 16 2019 में, चेक कर लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 16 जीते। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं नहीं था दूल्हे भाई वहां पर, 16 जीते। अब वो कैसा जीत, कैसा हार गए आप, कैसा हार गए बोलो आप? अरे नहीं ओवैसी, अरे बाबू जमहूरियत है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जा नहीं लड़ूंगा मां बोलूंगा मामू का साथ दो, जा लड़ूंगा बोलूंगा पतंग पिलाओ आसमानों पर। तो अब मालूम जहीराबाद और मोनोगुडू से बात मालूम हो गई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों औले जौले भाइयां हैं, जैसा कि किताब में तर्जुमा किया मकसूद साहब, कांग्रेस आरएसएस की मां।